एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कल ब्लॉग जहाँ से मैं एंड करी थी वहीं से आज मैं शुरू कर रही हूँ। और अभी भाभी बैठ चुकी है यहाँ पे खाना खाने के लिए, और यहाँ पे बाबू की अभी मालिश शुरू हो गई है क्योंकि छठी के दिन बच्चे अभी देखा था आपने इससे पहले कल वाले ब्लॉग में, अगर नहीं देखा है तो आप लोग कल वाला ब्लॉग चेक कर लेना। तो बस यहाँ पर मालिश वगैरह करके और फिर बाबू को कपड़ा पहनाया जाएगा। देखिए कितना क्यूट सा लग रहा है, एकदम मतलब डर रहा है ऐसे पकड़ा हुआ है। और थोड़ी थोड़ी ठंड थी बट ऑयल भी लगाना ना ज़रूरी था। और उसके बाद बाबू को तैयार किया जाए। और ये जो मालिश हो रही है ना, ये जो सरसों तेल होता है उसी से हो रही है। तो बस पैरों में लगाने के बाद मम्मी ही मालिश कर रही है, मतलब दादी ही सब कुछ कर रही हैं। उसके बाद जो बाबू के लिए नए नए जो कपड़े आए हैं वो पहनेगा, साथ में काजल होगा, ये सारी चीज़ें। तो ये सब मम्मी ही कर रही हैं। और देखिए डर रहा है ऐसे, हाथों को कैसे किया है ना बाबू ने। और आप लोग पूछ रहे थे ना कि बाबू का नाम क्या है, तो बस अभी ऐसा कुछ नहीं है, बट भाभी ने डुग्गू नाम रखा है, तो सब हम लोग डुग्गू डुग्गू बोलते हैं। और बस जैसे होता है ना कि नॉर्मली हम पुकार से जो नाम बोलते हैं, तो बस हम लोग डुग्गू बोलते हैं। देखिए कितने अच्छे कैमरे में देख रहा था, इसको पता था बाबू की मेरी वीडियो क्लिप बन रही है और मुझे आना है यूट्यूब पर। सो बाबू देख रहा था अभी, और देखिए कितने अच्छे से देख रहा है। तो बस जल्दी जल्दी ही मालिश किया जा रहा। क्यूटू डुग्गू देखिए डुग्गू तैयार हो गए अभी सज धज के। और जैसे जैसे मालिश हुई तैयार किया गया है, उनको नींद भी आ गई है, अभी ये सोने लगे तुरंत के तुरंत। बस जैसे मालिश हुई ना उसके बाद कपड़े जब पहनाया जा रहा था उसी समय इनको नींद आ गई है। और उसके बाद यहाँ पे मम्मी अभी बाबू के हाथों में पहनाने जा रही है नज़रिया, जो कि जिसमें काले मोती होते हैं वही वाला भी पहना रही हैं। और उसके बाद बाबू को अभी लगेगा काजल। बस उसके बाद बेबी को भाभी गोद में लेके और अभी खाना खाने लग गई हैं, और बाबू का आज नामकरण भी हो गया, सो आप लोग डुग भी बोल सकते हैं। और अभी सब लोग बाहर खाना खा रहे थे, स्पर्श था इनके साथ। और फिर काफ़ी ठंड भी लग रही थी, बट भैया लोग आए हुए थे ना गांव से, उन लोगों को भी खाना था। और उसके बाद मुझे ना यहाँ से आज ही निकलना भी है, मतलब मेरी आज विदाई भी है, तो इतने बिजी। उसके बाद यहाँ पे मैं भी थोड़ी देर के लिए बस आई थी, सोची ना कि कुछ तो मैं यहाँ का वीडियो क्लिप ले लूँ, क्योंकि मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। जैसे मैं काजल वगैरह लगाई कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी में और टाइम बिल्कुल नहीं था।
और यहाँ पे अभी पापा हैं, पापा बहुत ही कम वीडियो में आ पाते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिया है पापा का थोड़ा सा वीडियो। और यहाँ पे भाभी के पापा बैठे हुए हैं, और अंदर को जब मैं आई तो यहाँ पे भाभी लोग यहाँ खाना खा रही थी, बड़ी मम्मी खाना खा रही थी, तो ये सब मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया यहाँ पे। यहाँ पे जस्ट अभी भाई आया है, और उसके बाद मैं भी अभी बाहर ही थी, बाहर से मैं अभी कुछ लाने के लिए गई थी, यहाँ पे खाना वाना देना था ना, तो बस लेने के लिए गई थी अगर किसी को कम हो तो। और अभी अभी भाई का फ्रेंड आ गया है एंड उनकी वाइफ आई हुई है, तो इसका भी अभी देखिए अंदर को आए, बट इसका भी ना कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। और यहाँ पे अभी मैं लेके जा रही हूँ बाहर राइस लाने के लिए। सब जल्दी जल्दी में इसलिए हो रहा था क्योंकि मुझे भी निकलना था और भाई को भी निकलना था। भाई को आज ही इस टाइम पे 8 बजे ही निकल जाना था, और अभी आई थिंक ना टाइम 7 बजे के आसपास का कुछ टाइम हो रहा था, 7:45 का टाइम हो रहा था। और मैं भी इस टाइम पे भाभी से मिल रही थी और बाय कर रही थी क्योंकि मुझे निकलना था, यहाँ पे मम्मी है, और झटपट झटपट ना मैं खाना खाई, ढंग से खा भी नहीं पाई, और यहाँ पे पापा को मैं बाय कर रही हूँ बस प्रणाम वगैरह करके, और अभी मैं निकल गई हूँ घर से। और रात हो गई थी, और रात में ही आई थिंक ना हमें तो 11-12 बजे जाएंगे पहुँचने में ससुराल में, तो बस मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई उसके लिए सो सॉरी, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था, इतना बिजी था ना। और यहाँ पे मैं बैठ चुकी हूँ अभी, और यहाँ बैठ के सुकून से थोड़ा सा मैंने रिकॉर्डिंग किया, वो भी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी, तो देख सकते हैं अंधेरा तो हो ही चुका है। और हमेशा तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि 1 मिनट का भी ब्लॉग तो बना ही लेती हूँ, कहीं ना कहीं से बना ही लेती हूँ, बट किसी को टाइम भी नहीं था, भाई को भी बिल्कुल टाइम नहीं था कि कोई पकड़ के भी बना दे, तो जितना मैंने बनाया खुद से उतना बन गया है। और बाबू का भी मैं लास्ट लास्ट में ना रिकॉर्ड नहीं कर पाई, और स्पर्श को कैप वैप पहना दी हूँ, स्वेटर भी पहन लिया है वो, और मैंने भी ना ये श्रग डाला, यहाँ की कुछ पिक है मेरे पास, मैंने थोड़ी सी पिक ली थी यहाँ पे निकलने के टाइम में, तो वो जो फ़ोटो है मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो ये फ़ोटो है भाभी के साथ है, और यहाँ पे आंटी हैं, भाभी हैं, मैं हूँ, और मम्मी के साथ तो कोई फ़ोटो नहीं, और यहाँ पे बस एक ही मेरी फ़ोटो है बाबू के साथ जो आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। फिर उसके बाद गांव भी जाना है, तो उससे ज़्यादा लगेगा आधा, मतलब 45 मिनट और अगर गाँव जाना है तो, जाना ही है हमें। तो यहाँ पे जस्ट मैं यही बता रही थी ना कि बस यहाँ से जाएंगे ना तो हम गांव पे जाएंगे, क्योंकि मम्मी गांव पे ही थी, तो उनको वापस लेके फिर हमें जाना है देवरिया,
तो थोड़ा सा, और वहाँ से अगर हम जाते हैं ना, जैसे सलेमपुर है ना, वहाँ से हमें जाना होता है, उसी के आसपास से, मैं पूरा करेक्ट जगह नहीं बता सकती, तो बस थोड़ा सा और ना टाइम लग जाएगा। तो आज ऐसे मेरी विदाई हुई जल्दी जल्दी में मायके से, तो बस यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं। और इसके बाद का जो ब्लॉग है, बस अब ससुराल का ब्लॉग्स मिलेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।